हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फिज़िकल एंड केमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमने उसके फिज़िकल और क्या क्या केमिकल इवेंट्स होते हैं वो भी डिस्कस नहीं करे थे। वो हमने सिर्फ स्टेप्स डिस्कस करे थे, जैसे अराइवल ऑफ एम्ब्रियोसाइट, देन इंसेमिनेशन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, कैपेसिटेशन एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या क्या फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, राइट? तो फिज़िकल एंड केमिकल इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो सबसे पहली चीज़ वो होगी एक्रोसोमल रिएक्शन। अब ये एक्रोसोमल रिएक्शन कब होगा बेटा? जैसे ही स्पर्म जैसे ही अटैच करेगा विद द एग के साथ, तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मैंने कल भी बताया था कि एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, जो एक्रोसोम होती है, एक्रोसोम इट फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन, दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, राइट? तो अगर ये हमारे पास स्पर्म की एक्रोसोम है और स्पर्म का हेड है, तो पूरे आपको याद होगा पूरे स्पर्म के बाहर सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी, यस इट वुड बी, कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन दैट फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। तो क्या होगा, जब इनकी फ्यूजन हो जाएगी तो बेटा एक कॉमन पैसेज सा क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो ऐसा पैसेज क्रिएट होने के बाद जो एक्रोसोम का जो कंटेंट होता है, राइट, या एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो वेसिकुलेट कर जाएगी, वेसिकल्स बन जाएंगी और वो अपना कंटेंट, जो एक्रोसोम का कंटेंट है वो रिलीज़ कर देंगी। सी, अगर इनकी फ्यूज़न हो गई तो जो एक्रोसोम है वो वेसिकुलेट होकर, इट वेसिकुलेट्स एंड रिलीजेज इट्स कंटेंट्स, राइट? तो वो अपना कंटेंट क्या कर देगी, रिलीज़। और आपको याद होगा बीच में क्या प्रेजेंट थे बेटा, बीच में प्रेजेंट थे स्पर्म लाइसेंस, राइट? यानी कि एक्रोसोमल कंटेंट्स की क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो क्या होता है, बाहर निकलना। किसके बाहर निकलना, सेल के बाहर निकलना। क्या बाहर निकल गया बेटा, स्पर्म लाइसेंस। नाउ स्पर्म लाइसेंस में क्या क्या आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे। स्पर्म लाइसेंस में आते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, सबसे पहला आता है एंजाइम, दैट इज़ अ एक्रोसिन एंजाइम। सेकेंड एंजाइम इज़ अ हयाल यूरिनडेज एंजाइम। थर्ड एंजाइम इज द, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दैट इज न्यूरामिनडेज एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दैट इज न्यूरामिनडेज एंजाइम, राइट? तो हम बात करते हैं अभी इन एंजाइम्स के फंक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं, दैट इज़ हयाल यूरिनडेज एंजाइम। बेटा ये क्या करेगा, बेटा ये जो एंजाइम होता है ना, ये एक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे। अब याद करो, यहाँ पे हमारे पास ये सपोज़ एग की स्ट्रक्चर है, तो मैं सारा तो कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है, मैं कुछ नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। चलो यहाँ पे जोना पैलिसुडा लेयर बना दी बस मैंने, राइट? और एंड में जोनापल्स लेयर के बारे में क्या होता है बेटा, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं, याद है, कोरोना रेडिएटा सेल्स। अब कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा, दिस वन जो मैट्रिक्स होता है, दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली फिल्ड विद, इज बेसिकली, या हम कह सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ गैग। वॉट इज दिस गैग, गैग इज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, मतलब दीज आर द कार्बोहाइड्रेट गैग्स, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होंगे, राइट? ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स जो होंगे बेटा, ये तोड़ दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हयालुरिडिनेज, राइट? सो बेसिकली इट एक्ट ऑन द फॉलिकुलर सेल्स एंड ऑल्सो इट लाइसिस द गैग, क्लियर? नाउ द सेकेंड एंजाइम इज अ न्यूरामिनडेज एंजाइम। राइट,
बेटा इस एंजाइम का क्या काम है? बेटा ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है बेटा, ये रिमूव कर देता है किसको, न्यूरामिनिक एसिड को, राइट। ये न्यूरामिनिक एसिड कहाँ पे होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स पे। किसके ग्लाइकोप्रोटीन्स पे? ये होता है ओवम के, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट के ग्लाइकोप्रोटीन्स पे। सो न्यूरामिनिक एसिड, दिस न्यूरामिनिक एसिड इज एक्चुअली रिमूव्ड, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर ऐसे ये रिमूव हो गए तो बेटा क्या होगा, अब पॉलीस्पर्मी नहीं हो सकती। समझ सकते हो पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है? पॉलीस्पर्मी नहीं हो सकती मतलब ज़्यादा स्पर्म्स फ्यूज नहीं कर पाएंगे। ओनली वन स्पर्म इज एबल टू गेट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज विद द ओवम, राइट। सो इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। थर्ड एंजाइम इज अ एक्रोसिन। बेटा एक्रोसिन एंजाइम को हम जोनालाइसिन भी बोलते हैं, जोनालाइसिन। बेटा ये क्या करता है, एज ए नेम इंडिकेट्स, जोनल लेयर को तोड़ देगा। सो इट ब्रेक्स द जोना पैलुसिडा लेयर। तो देखो अब ये स्पर्म के जो लाइसेंस थे, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स को और जोना पैलुसिडा के सेल्स को क्या कर देंगे बेटा, ब्रेक कर देंगे, राइट।